अच्छा है बस। कितनी सर्दी हो यहाँ पर, हम लकड़ियाँ करते हैं तो मच लगाते हैं जला कर, फिर उसको गुजारा करते हैं। रात को तो चार हजाइयाँ पाँच हजाइयाँ ऊपर रखो फिर भी ठंड। आप लोग घर इधर ही हैं? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद क्यों है? मगर इधर तो सर्दियों में हम नहीं रहते, शाम को चले जाते हैं, जब पाँच बजते हैं चार बजते हैं फिर सवेरे आते हैं। मेरे पीछे पीर चनासी का दरबार आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, हजरत सैयद हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह पीर चनासी के दरबार पे मैं पहुंच चुका हूं, तो मैं आपको दरबार की तरफ ले चलता हूं। तो दरबार की ज्यारत करते हैं, करामात के बारे में आपको बताता हूं। तो यहां छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, ये दरबार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और पहाड़ी की चोटी पर है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं, अपनी जो मन्नतें यहाँ से मान के जाते हैं वो उतारने के लिए आते हैं। ये पीर साहब का आलम और यहाँ इसके ऊपर काफ़ी सारे कपड़े बंधे हुए हैं। तो बताया जाता है कि जो मन्नतें मांगने के लिए आते हैं यहाँ पर, वो कपड़ा मांग के जाते हैं। जैसे मन्नत पूरी होती है तो मन्नत उतारने के लिए यहाँ आते हैं वापस। रात हफ्ता इतवार को यहाँ बहुत रश होते हैं। ये उनका आलम साथ मस्जिद, और मस्जिद के साथ ढाबे भी मौजूद हैं। नमाज असर की अजान हुई अभी थोड़ी देर में, तो यहाँ हम नमाज अदा करते हैं। क्योंकि ऐसी जगह पे जब आएँ तो अब नमाज का टाइम हो तो नमाज ज़रूर अदा किया करें। वैसे भी नमाज दो नवाफिल वगैरह अदा किया करें, क्योंकि इंसान दुनिया की किसी भी कोने में जाएँ तो नमाज ज़रूर पढ़ा करें। तो अभी थोड़ी देर में बता रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सर्दी हो जाएगी, और ये जड़ी बूटियाँ, कुछ कश्मीरी चाय के लिए जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं और कुछ मैदे वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये स्टॉल लगा हुआ है जड़ी बूटियों का। तो दोस्तों, हज़रत सैयद हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पीर चनासी के दरबार पर हमने आए हैं आज। आज हमने दरबार की ज़्यारत की है, और मुजफ्फराबाद से पीर चनासी का सफ़र आपको दिखाया, और हमने काफ़ी दुशवार गुजार था सफ़र की, तमाम अपडेट्स आपको देते रहे हैं साथ साथ। तो तकरीबन आज हमने 150 किलोमीटर सफ़र किया है पिंडी से यहाँ तक। अब तक से पीर चनासी का सफ़र 30 किलोमीटर का है, और लेकिन ये सफ़र तकरीबन मुकम्मल ही हाइट का है, चढ़ाई का है। तो हम बाइक पे थे तो काफ़ी दफ़ा बाइक ने जवाब भी दिया है, लेकिन रुक रुक के ऊपर आए हैं। तकरीबन दो घंटे हमें लगे हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही बरकतों वाली जगह है। लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मांग के जाते हैं, मन्नतें पूरी होने पर यहाँ पर आते हैं, खैरात वगैरह करते हैं। तो आज का व्लॉग हम मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। तो कश्मीर के टूर में जो कि मैं बाइक पर कर रहा हूँ, मेरे साथ अनीस राव भी साथ हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियोज़ पसंद आएंगी। तो हम इंशाल्लाह 3-4 दिन और यहाँ पर हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहुत खूबसूरत गांव और ख़ूबसूरत प्लेसेस, और इंशाल्लाह LOC तक जाऊँगा, वहाँ तक के तमाम जो गांव होंगे, रास्ते होंगे, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा यह सफ़र और मेरा ये टूर आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।